एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। तो गाइस, हाउ आर यू? आई एम गुड। और आप सब कैसे हो? हम लोग बस है ठीक ठाक। और बाकी गाइस, आज से आप सबको पता ही है कि प्रेरणा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो अभी प्रेरणा पीछे हॉस्पिटल से आई है और वो अभी सो रही है। और मम्मी और जीजू गए थे साथ में, और नोना को मेरे पास छोड़ गए थे गाइस। मम्मी एक्चुअली प्रेरणा को हुआ क्या है गाइस के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो आप लोग प्रेरणा को बता देंगी। आप उसकी तबीयत ख़राब है, और पर किस वजह से है? हमारी वजह से है, मम्मी की वजह से है, उसकी खुद की या व्यूअर्स की वजह से है? अब ये आप क्वेश्चन करोगे उसके अकॉर्डिंग बताएगी प्रेरणा खुद, और पता चल जाएगा आपको कि कौन रीज़न है इसकी तबीयत ख़राब होने का और क्या तबीयत ख़राब है। गाइस पता नहीं, मतलब ये क्या बात हुई, ये तो खुद मैं ही नहीं समझ पा रही है क्या हुआ प्रेरणा को। तो गाइस चलो, ये प्रेरणा अपने व्लॉग में खुद बताएगी कि एक्चुअली उसे हुआ क्या है। बट अभी वो हॉस्पिटल गई थी, वो हॉस्पिटल से आई है, और अभी यहाँ पे पापा मिठाई खा रहे हैं। चाय बनाऊँ थोड़ी सी? हैं, वो गुन्नू बन कह रही है मैं बनाती हूँ बहन के लिए दूध में पत्ती, थोड़ी चाय पी ले फिर दवाई दूंगी। कब? थोड़ी आँख तो खोल, अब होश में आना, कितनी देर हो गई बेटा। क्या कितनी देर में बनाऊँ दूध में पत्ती? लगा गुन्नू लगा देगी। ऋषि से बात कर रहे हैं। चार पकौड़ी पूरी चाहिए, कह रही है मोमोस खाऊंगी। थोड़ा स्टेबल नहीं है, मतलब वो अभी थोड़ा बेहोश है, नशे की हालत में। एनेस्थीसिया दिया था ना उसको, तो थोड़ा बेहोश है। हाँ, तो अब जब ठीक हो जाएगी तब हम आपसे बात करने आएंगे उसकी। बट अभी करो कि प्रेरणा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे घर की रौनक है, उसको कुछ हो जाता है तो सारे वैसे हो जाते हैं। हम सारे ऐसे पड़े हुए, वो बोल रही थी बस उसको मोमोज खाने हैं, और पुनीत को क्या बोल रही है और फ्लैट पे चलने के लिए। और बाकी गाइस, अगर मुझे मिली तो मैं हॉस्पिटल की एक या दो क्लिप ऐड कर दूंगी वीडियो में, अपने ब्लॉग में, ताकि आप लोग देख सको। मम्मी बार बार झाँक रही है क्योंकि वो रो रही है, अंदर दर्द हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा, इंजेक्शन दे रहे हैं ना उसको, तो इसलिए बार बार मम्मी परेशान हो रही है। ठीक है, जाते हैं आप की वैसे? मैं अभी तक गई नहीं, तो मुझे ये बता। चल अब के चलेंगे, ठीक है, उसी में रख लेंगे अपना खाने पीने का सामान बुक्की में, और अपना चलते रहेंगे, खाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। जीजू ना हमारे घर की मिठाइयाँ खत्म करने में लगे हुए हैं, अपने घर पे तो खाते नहीं है। और गाइस अंशु बंद करियो, और हमारा डब्बा देखो गाइस, दो ही छोड़ी है अभी, एक किलो का बच रहा हूं। आपके घर पे भी तो आए हैं दो आधा आधा किलो के, खा लिए वो? खा भी गए आधे किलो के डब्बे। मम्मी हमारा डब्बा फिर खाली कर दिया जीजू, अभी 1 किलो का बच रहा है वो भी खाली। और गाइस प्रेरणा उठी है थोड़ा, इसके लिए मम्मी चाय वाय बनाएंगी। अब लेट जा बेटा, नहीं प्रेरणा ज्यादा देर लेट जा। नोना कह रही है, नोना मैं हूँ। और गाइस मैं जा रही हूँ अभी 100 रुपए लेके दूध लेने। यहाँ पे सब सो रहे हैं, प्रेरणा उठी थी अभी थोड़ी देर के लिए, इसको चाय वगैरह पिलाई है, अभी दोबारा सो रही है। और गाइस मम्मी के पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है, तो मम्मी भी थोड़ा सो रही है, और नोना को भी सुला दिया। बाकी मेरा कल एग्ज़ाम है, तो अब वो वाला कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, तो मैं वहाँ जाके थोड़ा पढ़ लेती हूँ। और ये तू सो जा, इसकी तबीयत ख़राब है गाइस। इसने गाइस जो हरकत करी है ना, वो आपको जल्दी ही इसके ब्लॉग में हम सब बताएंगे कि इसने क्या करा है। बट गाइस आप सबकी वजह से बहुत गलत हुआ है मेरी बहन के साथ, और आप लोग अब जब भी आपको पता लगेगा तो फिर अब देखते हैं आगे गाइस क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो अभी मम्मी यहाँ पे क्या है, मम्मी शीरा बना रही है, और ये अंशु और जीजू के लिए बॉयल कर रहा है। शीरा क्यों बना रहे हो आप? डॉक्टर ने सॉफ्ट डाइट बोला है, उसको भूख भी लग रही है, अब सॉफ्ट डाइट से पेट तो भरेगा नहीं, तो शीरा गाइस डॉक्टर ने अभी खाना देने को तो मना कर रखा है। तो शीरा बहुत मतलब हल्का होता है, बट इससे पेट भी भर जाता है, तो मम्मी ये बना रही है। हेल्दी होता है, हल्का नहीं होता, ये हेल्दी बहुत होता है ना, पता भी आटे से बनता है, तो फिर भूख नहीं लगती जल्दी से अगर एक कटोरी शीरा खा लेंगे तो। अच्छा बना लो। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ बाहर दुकान तक, क्योंकि कल फिर से मेरा एग्ज़ाम है इंग्लिश का, और मेरे पास इंग्लिश ए है, आपके पास क्या है कमेंट करके बताना। और मुझे ना थोड़ा सामान चाहिए, मतलब प्रेरणा के एग्ज़ाम में कुछ भी बैग वगैरह अलाउड नहीं था, तो प्रेरणा नहीं लेके गई थी, बट मेरे एग्ज़ाम में सब अलाउड है। तो अभी मेरे को पेंसिल स्केल और थोड़े अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट करवा के लानी है, फिर मैं उसे अच्छे से फोल्डर में रखूँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी लेने के लिए, फिर मैं लेके आती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा स्कूटी पे चली जाती हूँ, पर फिर मैंने कहा यार पास में ही है, क्या स्कूटी लेके जाऊँगी,
तो अब मैं पैदल ही चली जाती हूँ और सारा सामान लेके आती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। ओके निशीना सारे रिश्तेदारों को फोन कर करके बता रही है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे देखने आओ। सेब संतरा ले आओ, तू पीछे से लात मार ले। और तुझे क्या चाहिए भाई? आज चलो मैं मान जाऊंगा, आपने बता दिया कि लास्ट टाइम आपने मेरे को 100 रुपए मान जाऊंगा। इसे लेके दिखा, इसका सरम ना, इसकी बहन बीमार पड़ी है। सॉरी बहुत। और गाइस इसे पॉपकॉर्न खाने हैं और इसे पिज्जा खाना है और इसको पता नहीं क्या क्या खाना है। आप कहते हैं अंशु बहुत केयर करता है। एक स्कैनर इसके नाम का बना के डाल दे, उसमें चंदा घेर दे, करेंगे गाइस ये खाता रहेगा, इतना खाता ही है। कुछ बोलो जीजू, मेरा बर्थडे आ रहा है, बताओ ना मेरे बर्थडे पे। तेरा ही बर्थडे आ रहा है, न्यारा बर्थडे आ गया तेरा। नोना मेरा बर्थडे आ रहा है, तू क्या करेगा? तेरा बर्थडे फ्लैट पे मनाएंगे। हां बेटा मुंह क्यों खोल रहा है अभी? केक थोड़ी कट रहा है, केक तो बाद में कटेगा। कुछ ना कर सकता, बस यूं घर में बात मिला सकता। गाइस अंशु बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई कहने की हद नहीं। बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगा। क्या लास्ट टाइम कब मेरे को पैसे? मम्मी बता दो ना, रक्षाबंधन के दिन मैंने दिया। अंशु नहीं छोड़ो मेरे को अपने खाने। रक्षाबंधन है मम्मी, तेरे को 640 रुपए फोन पे करे जो तूने चॉकलेटो लगाई। यूट्यूब वाले भी सब्सक्राइबर भी हमारे यूँ कहते हैं कि खाने की बढ़े रहे, कोई घर में खाने की बात नहीं है। आपने मेरे को मेरे मेरे लिए तेरे लिए दिए थे, मैं तो लड़कियों के लिए कर दिया था, तूने मांगे तेरे नाम पे। वो गया अलग बात है, अब बता दो। ऐसे तो आप पिछला कोई बताओगे ये उसे भी अलग बात कर देगा। कितनी देर से तो 50,000 रुपए का फोन दे दिया। अभी तो 50,000 रुपए का फोन काट काट के खाओगे थोड़ा थोड़ा। गुल्लू बर्तन धो रही है और पापा मम्मी और आई मिल रहे हैं। मौसम मौसम है, मैं चाय रखती हूं। वो अभी वहाँ पे सब प्रेरणा के साथ बैठे हैं। नानी नानी को वो बता ही दी थी, नानी नानी जो स्टार दिखा है जीजू दिखा के लाएंगे आपको। नानू भी आ गए, नानी भी आ गई, पापा बात तो बहुत करा जी। मैंने चाय रखी है अभी क्योंकि नानी नानू को भी प्रेरणा ने बुलाया और नानी नानू आए अभी और मम्मी जीजू के मॉम डैड भी आए हैं, तो अभी चाय बना रही हूँ। और वैसे भी प्रेरणा थोड़ी प्रेरणा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है और अभी अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी कि दी प्रेरणा दीदी को क्या हुआ है, या मम्मी जीजू से पूछ रहे हैं मम्मी से प्रेरणा को क्या हुआ है एक्चुअली। तो प्रेरणा ने मतलब जो हरकत करी है वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब हमें पता लगा है जब उस चीज़ को 2-3 हफ्ते या महीना हो गया तो अब हमें पता लगा है। तो फिर हम लोगों को मतलब कि हम आप लोगों की बातों को हम लोग सीरियस लेते हैं बट इतना भी सीरियस नहीं लेना कि आप लोगों की बातों को हम इतना डीमोटिवेट हो जाएं उस चीज़ से और अपने ऊपर कोई स्टेप उठा लें। वो चीज़ हमें प्रेरणा की बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो हमने प्रेरणा को बोला कि तू थोड़ा ठीक हो जा, उसके बाद हम इस टॉपिक पे पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे जो फिर अगर सबके पास पहुँचे उसके लिए हम वो ब्लॉग जीजू के अकाउंट पे, पुनीत के अकाउंट पे, या मेरे अकाउंट पे, या प्रेरणा के अकाउंट सब पे डालेंगे कि मतलब इस टाइप से कोई किसी की बात को सीरियस लेके मतलब प्रेरणा सच में मेंटल है, उसने जो भी करा ना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब आपको पता लगेगा ना गाइस, तो जो लोग प्रेरणा को प्यार करते हो तो उन लोगों को भी बुरा लगेगा कि प्रेरणा ने ही क्या करा है। तो जल्दी ही इस टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाएंगे, बाकी अभी तो प्रेरणा की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी आज उसको देखा, आज वो एडमिट थी थोड़ी देर, उसका छोटा सा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद अब कुछ दिन कंटिन्यू उसकी दवाई चलनी है। और मतलब खामा खा की चीज़ थी गाइज ये, जो उसने सोची इतनी ज़्यादा अपने दिमाग में बिठा ली और फिर उसने जो स्टेप उठाया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और अब क्या, बस अब जो हो गया तो हो गया, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। बाकी मैं भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि मतलब गाइज आप लोगों ने ऐसा मतलब इतना भी किसी को क्या डिमोटिवेट करना, मतलब सब लोग तो नहीं करते पर कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, बट कुछ कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में अपना उल्टा सीधा बोल के मूड ख़राब स्पॉइल करते ही करते हैं। तो कुछ उन्हीं कमेंट्स की वजह से प्रेरणा की आज ये हालत है। तो अब आप लोगों को पता लग जाएगा थोड़े टाइम में। बाकी मैं अभी चाय बना दूँ सबको, मैं अभी अपनी ब्लॉगिंग करने लग गई चाय बनाने की जगह, मैं सबको चाय बना दूँ उसके बाद में दोबारा आपसे मिलती हूँ। मैंने चाय बना के दिया सबको। अरे कल पिया तो जान पड़ गई चाय, तो नहीं पी रही हो जाते हैं ना, तो शराब नहीं पीते इंसान को पीने लगे शराब। गाइस दारू की बातें हो रही हैं, ये जो है ना बॉडी में ऐसी रम जावे कि
कि तुम सोचो आदमी पी रहा शराब, आदमी नहीं पी रहा शराब, आदमी ये पी रहा है। सुन रहा है गाइस को दारू का टॉपिक? जीजू कह रहे मेरे बिना कोई पैग मत बना लेना। ठीक है जीजू, नहीं बनाएंगे। ये तो यूं कहेगी मुझे तो बहुत मजा आता जब यहाँ अंशु गाइस इतना बड़ा भुखमंगा है ना कि ये नोना से कह रहा है, नोना जो आपको रागी पे पैसे मिले थे उसमें से मामा को 10 रुपए दे दो। नोना कह दो नहीं दूंगा। गाइस प्रेरणा नोना को खिला रही है अभी, अभी इसने कुछ खाया पिया अभी, ये थोड़ी ठीक है गाइस पहले से। नोना मना कर दो कि मैं नहीं दूंगा, कि तूने मुझे कुछ दिया था रागी पे, ऐसे बोल दो। कितनी मस्ती करती है गाइस बच्चा नोना। मेरा शोना, नोना की मम्मा कहाँ है? नोना की मम्मा को ले लो। ओलो आलो, अच्छा हेलो, लो फोन ले लो। इसकी मम्मा का फोन है, इसको पता है, इसको पता है इसकी मम्मा का फोन है, इसकी मम्मा की फोटो लग रही है इस पे। ये कौन है, किसकी मम्मा है ये? ओए ओए पा करता है मम्मा को, मेरे फोटो पर करके निकली है। निकली है कहां से? निकल गई तेरे को ऐसा उठी है ऊपर मेरे फोटो पर करके निकल गई। तो गाइस अब मम्मी यहां पे खिचड़ी बना रही है प्रेरणा के लिए, प्रेरणा के लिए बस, हम लोगों के लिए दूसरा खाना बनेगा मम्मी। नहीं तुम खाओगे, व्लॉग में भले बन के दिखा रहे हो, खाओगे तो मैं बना देती हूँ सबके लिए। थोड़ी सी अगर अच्छी लगेगी तो थोड़ी सी खा लूंगी भाई। वैसे मेरी मम्मी तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, पर हाँ कभी कभार खा लेते हैं हम लोग, वैसे ज़्यादा नहीं खाते, अगर अच्छी लगेगी तो खा लेंगे। तो गाइस महारानी पधार रही है। मैं हूँ एक शरारा, इसकी जगह ना टोपी पहना हूँ, टोपी कैसी लग रही है प्लाजो में चलती है इसे ना टोपी पहना हूँ और अच्छी लगेगी। तेरी मम्मा तेरे पर मर ना जाए, ये कितनी अच्छी लग रही है पर। ले मम्मी सूट वाली कुड़ी ले ले। अरे हां भैया, ओ ओ भाई रख दा मेरे एक एक सूट पड़े वो सामने का। ओ मेरे बेटू केंजे, उसे खड़ा करो भाई, उसे शरारे वाला सूट पहन। अरे उसके सूट के पछो सूट का ऊपर करे मेरे बेटे। ले नूना, ले नूना, ओए हाय ले मम्मी ले। तो सारी दुनिया जाए भाड़ में और इन दोनों मियाँ बीबी की डाइट में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रेरणा की तबीयत खराब है और प्रेरणा को बैठी हुई है, उसको हमने स्पेशल बेड दिया था बट नहीं, वो तो जीजू को अपनी कमर सीधी करने के लिए चाहिए। और प्रेरणा के लिए आई है वहाँ पर खिचड़ी, तो ये कैसे चुप रह सकता है। तो इन्होंने अपने लिए गाइस खीरे कटवाई है और वो खा रहे हैं। अंशु ने वैसे तो अपने लिए काटे थे पर गाइस अंशु का मुँह अब आप देख सकते हो। अच्छा इसीलिए निशे सुबह से आपको यहाँ बिठा रखा है। ओ सो सैड। तो जो भी खाएगी वही मुझे साथ साथ कुछ ना कुछ देगी। खिचड़ी खा ना, खिचड़ी खाओ ना। निशे को खीरा भी तो पानी से मिलेगा। मैन खिला खिचड़ी खिला जीजू को भी, क्या बात है, क्यों नहीं खिला। हाँ गाइस मैंने आपको पहले ही कैसी बनाती है मम्मी, 56 फिर वो भी कहेगा कि आप, वो पूछेगा फिर कि आपकी दुकान कब से, तो कहेगा 100 सालों से हम यही लगा रहे हैं। छोटे मोटे काटने के लिए अब यहाँ पे लूडो खेली जा रही है। और गाइस अंशु हम जा रहे थे, अंशु आ गया बीच में, तो पुनीत और मेरे को एक टीम मिली है। पुनीत की ये ब्लू है, गुन्नू पुनीत पीछे हो, नहीं रुक जा पुनीत, गुन्नू पीछे हो, बस होगा ना, होगा ना, होगा होगा बहन। और ग्रीन वाली गाइस प्रेरणा की है, रेड जीजू की है, और येलो वाली अंशु की, और पुनीत और मेरी ब्लू है।
अब हम लूडो, और गाइस विनर कौन होगा ना, मैं बीच में भी आपको दिखाऊंगी गेम में क्या चल रहा है, फिर विनर भी दिखाऊंगी कौन है। और 15 अगस्त आ रहा है, लाल किला दिखा दे, ये हटा झंडा फहरा रहे हैं हम सांस। अभी गोटी पे लग के रह गया, मेरा आना नंबर ज्यादा था। अच्छा गाइस, तो अभी तक गेम में गोटी यहां है, सबकी खुल चुकी है, देख छ आएंगे, देखो ओए देख पहुंच आएंगे, 6 एक ज्यादा हो गया, ले तो अब आ जाएगा पूरे टेप पे तो यूज हो बैठा टे टे। ये गाइस आप लूडो खेलते हो तो आप पैच है करते हो, हेड क्या करते हो बताना। मैंने ना वेन जल्दी से मिलती तो है नहीं हाथ में, और डॉक्टर ना मैं नस ढूंढ रहे तो कह रहे ऐसे, वो जो आए थे बेहोश करने वाले, तो ये मेहंदी भी तो इतनी गाड़ी लगा रखी है, नसी नहीं मिल रही। मैंने कहा डॉक्टर मेरी मिलती नहीं है, कह देते ना मेरे पति मेरे तो बहुत प्यार कर रहे हैं। हां तो जी जी कहते कहते कि मेरा मेरी मोहब्बत में इतना प्यार ना होता तो ये मेहंदी का रंग इतना लाल ना होता। वाह नकली शायर। गाइस तो यहाँ पे विजेता सारी चली गई, एक गई है, झंडा ले रहा है, झंडा ले रहा है। मैं तो पंडित हूँ, मंत्र फूंकता हूँ। ओए अरे वो नकली बाबा जोड़ा छाप चार ऐसा छह देखो गाइस, पहली गोटी प्रेरणा की चली गई है। गाइस ये लोग ना चीटिंग कर रहे हैं। ओए आइसक्रीम उठा लो, आइसक्रीम उठा लो सब अपनी, इनको दे दे, इनको दे दे गाइस, इन सबके लिए आइसक्रीम आई है। छह कब आया? दो बकटी है, तेरा दो ही कब आया? अब आया गाइस, ये सब हम देखते नहीं है, तब इसकी जब हमारी पलक झपकती है तब इसका छह आ जाता है। कुछ आया है लूडो भी खत्म हो गई और हमने खा पी भी लिया हल्की सी आज, मतलब हैवी आज खाना बना ही नहीं, सबने वही जो प्रेरणा गई खिचड़ी बनी थी वो खा ली, दिन में जो आलू वैगन बने थे उसका खाना पीना कर लिया, और अब हम लोग सोएंगे क्योंकि गाइस मेरा तो कल एग्ज़ाम है और प्रेरणा को रेस्ट चाहिए बिकॉज मेडिसिन वगैरह लेंगे। और गाइस ये मेरे पापा नहीं ले रही मैं आपको ब्लॉग में, आप टेंशन मत लो, पापा पता नहीं क्यों गाइस बहुत ब्लॉग में आने में पता नहीं क्यों इतना गुस्सा करने लगते हैं। सो गाइस अभी प्रेरणा को दवाई देनी है, प्रेरणा रेस्ट करेगी और मेरे को भी सुबह, फिर मेरा 8 बजे एग्ज़ाम होता है, 9 बजे होता है, तो मतलब मेरे को 8 बजे तक, मैं 8:30 तक वहाँ पहुँच जाती हूँ अपने जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा है, तो उसके लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ, देन 6 बजे उठ जाती हूँ पर उठ के बेड पर ही होती हूँ, 7 बजे करेक्ट खड़ी होती हूँ, नहाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैं कुछ करती नहीं, फिर पुन्नू आता है 7:30 तक, फिर वो मुझे छोड़ देता है और फिर लेने आ जाता है। तो गाइज अभी फिर फटाफट सोना भी है, बट पहले व्लॉग एडिट करूँगी आप लोगों के लिए, तो अभी मैं इस वाले व्लॉग का यही पेन करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ये वाला व्लॉग इन्जॉय करो और कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा और क्या क्या व्लॉग्स आप देखना चाहते हो। और गाइज मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैंक व्लॉग सोच लिया है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस व्लॉग है गाइज, आजकल मेरे घर में सब बिजी है तो कोई भी मेरे व्लॉग्स देख नहीं रहा, इसलिए मैं आप लोगों को पहले आइडिया दे रही हूँ कि मैंने एक प्रैंक व्लॉग सोचा, वो बहुत ज़्यादा लिटरली मतलब एकदम ऐसा व्लॉग है, तो मतलब अब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने क्या सोचा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहो, वो वाला व्लॉग 3-4 दिन में आ जाएगा बिकॉज अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो उसके लिए मुझे पूरा डे चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो ब्लॉग लेके आऊँगी शानदार सा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करो, शेयर करा करो, और बाय बाय, लव यू ऑल।